की है, ये अकूत धन संपदा आप जनता है, आप जनता है, जड़कर तमाचा ये सवाल कीजिए और इन भ्रष्ट इन भ्रष्टाचारियों की सारी काली कमाई जब्त कर ये जिंदगी भर भीख मांगे इन्हें ऐसा कंगाल कीजिए। मित्रों, मैं जिस ऊर्जा के साथ कविताएं पढ़ रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि शायद मेरी बात या तो आप तक नहीं पहुंच रही है या मैं सलमान खुर्शीद के नगर में कविता पढ़ रहा हूँ। बात बहुत अच्छी तरह से पहुंच रही है। सलमान खुर्शीद के नगर में कविता नहीं पढ़ रहा हूँ, बजा के उसे बताएं कि बात पहुंच रही है और इस तरह की बातें की जाना चाहिए। बहुत अच्छा पढ़ रहे। हम लोग कवि सम्मेलनों में जाते रहते हैं साहब। राजस्थान का एक शहर होता है डूंगरपुर। पिछले अप्रैल माह में एक कवि सम्मेलन में वहां गया मैं। कुछ पत्रकार लोग थे, कुछ साहित्यकार थे, उनमें से कुछ उन्होंने मुझसे प्रश्न कर लिए। आमतौर पर पत्रकार प्रश्न डॉक्टर कुमार विश्वास से करते हैं, लेकिन कभी कभी हम जैसे कवियों से भी कर लेते हैं। मुझसे चार प्रश्न एक पत्रकार ने किए, उन चार प्रश्नों के उत्तर मैंने उस पत्रकार को दिए। यदि उन प्रश्नों के उत्तर में आपको लगे कि देश की राजनीति का एक चित्र, पूरा मानचित्र उसमें उपस्थित हो गया है, तो जितने लोग बैठे हैं आनंद लेते हुए मुझे अपनी प्रतिक्रिया पहुंचाना। पत्रकार ने पहला प्रश्न किया कि ब्रज भाई बताइए, हिंदुस्तान की राजनीति में ऐसा क्या है जो है पर नहीं है। पत्रकार ने दूसरा प्रश्न किया, हिंदुस्तान की राजनीति में ऐसा क्या है जो नहीं है पर है। तीसरा प्रश्न था, हिंदुस्तान की राजनीति में ऐसा क्या है जो है और है। और चौथा प्रश्न था, हिंदुस्तान की राजनीति में ऐसा क्या है जो नहीं है और नहीं है। मित्रों, मैंने इन चार प्रश्नों के उत्तर दिए। पहला प्रश्न था, हिंदुस्तान की राजनीति में ऐसा क्या है जो है पर नहीं है। अरे मैंने कहा, श्रीमान माननीय मनमोहन सिंह जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं पर नहीं है। दूसरे प्रश्न का उत्तर देने की हिम्मत करता हूं, समर्थन करना। दूसरा प्रश्न था, हिंदुस्तान की राजनीति में ऐसा क्या है जो नहीं है पर है। मैंने कहा, श्रीमती सोनिया गांधी भारत की प्रधानमंत्री नहीं है पर है। देखिएगा, आप तालियां नहीं बजाएंगे तो मेरा लिफाफा पक्का नहीं होगा। मैं आपके मन की बात कर रहा हूं साहब। तीसरा प्रश्न था, हिंदुस्तान की राजनीति में ऐसा क्या है जो है और है। मैंने कहा, श्रीमान माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं और हैं। चौथे प्रश्न का उत्तर देता हूं, आनंद लीजिएगा। चौथा प्रश्न था, हिंदुस्तान की राजनीति में ऐसा क्या है जो नहीं है और नहीं है। मैंने कहा, श्रीमान माननीय लाल कृष्ण जी आडवाणी के भाग्य में। मित्रों, चार पंक्तियां रखना चाहता हूं, आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहा था। रात के 11:35 हो रहे हैं, ये मंच सजा हुआ है, आप सब बैठे हुए हैं, लेकिन मैं इस मंच से उन लोगों को एक सैल्यूट करना चाहता हूं जिनके बूते पर पिछले 65 वर्षों से ये देश बचा हुआ है। देश की सीमा पर खड़े वो नौजवान जो रात के 11:35 पर अंधेरे में एक गोली कहीं से भी आकर उनका काम तमाम कर सकती है। मैं उन नौजवानों तक इस जांजगीर नेला जांजगीर के मन से चार पंक्तियां पहुंचाना चाहता हूं। उनका व्यक्तित्व क्या होता है कि आंख में अंगार, श्वासों में तूफान मचलते हैं। आंख में अंगार, श्वासों में तूफान मचलते हैं। भूडोल बवंडर उनके संग साथ चलते हैं। कलेजे कांपते कातिलों के, दुश्मनों के दिल दहलते हैं। वो जिधर मुड़ जाते उधर नए दिन मान निकलते हैं। कोई उन्हें फौजी, कोई सैनिक, कोई वीर जवान कहता है, और ये कलम का सिपाही, ये कलम का सिपाही तो उन्हें शेर-ए-हिंदुस्तान कहता है।
वाह 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 मित्रों, उनका चरित्र मैंने आप तक पहुंचा दिया, मैं आपका चरित्र चार पंक्तियों में आप तक पहुंचाता हूं। स्वागत है। पिछले दिनों पाकिस्तान में एक डॉक्टर को 33 वर्ष की सजा सुनाई गई, और सिर्फ इसलिए सुनाई गई कि उस डॉक्टर ने एक आतंकवादी ओसामा बिन लादेन का पता अमेरिका को बताया था। तब आपका चरित्र बताता हूँ कि दीप जलाते हैं धरा पर, अंधियार नहीं करते। वाह, दीप जलाते हैं हम, दीप जलाते हैं धरा पर, अंधियार नहीं करते। अरे दंड देते हैं, हत्यारों की जय जयकार नहीं करते। तुम घात लगाकर औरतों और बच्चों के प्राण लेते हो, हम युद्ध में भी निहत्ते शत्रु पर वार लेते। वाह 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 वाह। मतलब पिछले हजारों वर्ष का इतिहास है, हिंदुस्तान ने कभी किसी राष्ट्र पर आगे बढ़कर आक्रमण नहीं किया। तब चार पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, जो देश लगातार भारत को प्रताड़ित कर रहा है, उस तक एक संदेश इस मंच से पहुंचाना चाहता हूं। प्रभु श्री राम जहां विराजमान है उस मंच से, कि सोने का हिरण, सीता का हरण, दशानन रावण की मौत का कारण बना था, दुर्योधन का आचरण, द्रौपदी का चिरहरण, कौरवों के समूल नाश का कारण बना था, देवालयों पे दुष्टों के चरण, संपूर्ण भारत का इस्लामीकरण, मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बना था, फिरंगियों का दुराचार, बोली जनता का जीते जी मरण, अंग्रेजों के भारत छोड़ने का कारण बना था। कल यदि इतिहास ये कहे तो कोई अचरज की बात नहीं होगी कि आतंक का विस्तारीकरण, निहत्ते निर्दोष भारतीयों का बार बार मरण, उस आतंक की पाकिस्तान के जड़ा मूल होने का कारण बना। मित्रों, एक रचना पढ़ने का मन है मेरा, एक छोटी सी रचना आपके बीच खड़ी करना चाहता हूं। आदरणीय कुमार विश्वास बैठे हुए हैं, ये वो काम कर रहे हैं जो देश को करना, ये वो नहीं कहते कि ये ऐसा हुआ, ये कहते कि ये करो, जो कहते हैं कि ये करो, मैं वही बात करने की कोशिश कर रहा हूं कि ये समय नहीं है बेशर्मी से हंसने और खिलखिलाने का, ये समय नहीं है चौपालों पर बैठ ही बतियाने का, ये समय नहीं है संग टीवी के नैन लड़ाने का, ये समय नहीं है संगीत की स्वर लहरियों में खो जाने का, ये समय नहीं है मदिरा के प्यालों में डूब जाने का, और ये समय नहीं है रूपसी के अधरों से मधु चुराने का। ये समय है भारत माता की जय बोल, वंदे मातरम गाने का। ये समय है केसरिया बहना बांध समर में कूद जाने का। वाह 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 वाह। एक दृश्य रखता हूं, क्यों ये समय ऐसा है कि धधकती है आग पेट में, 2 जून रोटी को मोहताज है भोला बचपन देश का, धधकती है आग पेट में, 2 जून रोटी को मोहताज है भोला बचपन देश का, लाज बचाने के लिए सिर्फ एक चुनर को तरसता है लाचार यौवन देश का, कानून का पता नहीं मिलता, रोजगार लापता हो गया है, अरे पानी हुआ है महंगा, यहाँ पर आदमी का खून बहुत सस्ता हो गया। इसलिए कहता हूँ ये समय नहीं है इन भ्रष्ट नेताओं पर अब और भरोसा जताने का, ये समय है भारत माता की जय बोल, वंदे मातरम गाने का, ये समय है केसरिया बाना बांध समर में कूद जाने का। एक दृश्य रखना चाहता हूं कि धधकती है आग पेट में, क्या बात है, ये एक दृश्य रखना चाहता हूं कि आस्तीन के सांप सीने पर चढ़कर फुफकार रहे हैं, पिछले 65 वर्षों में देश में जो हुआ, आस्तीन के सांप सीने पर चढ़कर फुफकार रहे हैं, जिधर देखो उधर दुष्ट पापी जयचंद ललकार रहे हैं। अपने नेता को स्कीम समझ में आ गई, आ गया भारत, 2-3 साल 4 साल बाद वो आया विदेशी नेता भारत इसके घर, पता चला उससे भी 10 गुना अच्छी कोठी, उसका दिमाग खराब हुआ, बोले तूने कैसे बनाई, बोले चल ऊपर, ऊपर ले गया, बोले वो नदी देख रहा है, बोले हाँ, उस पे वो पुल देख रहा है, बोले कहाँ है पुल, बोले बस उसी का 100% से बनाया है। देश को गिनती सिखा दी डॉक्टर साहब आपने, करोड़ से ऊपर, ये मेरे जैसे बच्चे तो लाख के आगे जानते ही नहीं थे, इतने करोड़ का घोटाला, इतने करोड़ का रोज नए नए तत्तुम्बे ला के खड़े कर दिए, मस्ती ला दी, पर ठीक है। इस तरह से दोस्तों एक काम डॉक्टर साहब और इनकी टीम ने बहुत बड़ा किया है, लोग सोचते थे देश में
कि कभी भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता, इसके विरुद्ध कोई नहीं बोल सकता, लेकिन एक बार इनके लिए, इनके और मित्र दिल्ली तक होंगे वहां तक तालियां पहुंचाना कि इनके मेहनत से यह देश सोचने लगा है कि भ्रष्टाचार भी कभी खत्म हो सकता है। आइए मैं इस कवि सम्मेलन का रूप बदलता हूं, स्वरूप बदलता हूं, थोड़ा सा इसमें इसको गेय तत्व तक पहुंचाता हूं। इस कवि सम्मेलन में बहुत अच्छे गीतकार उपस्थित हैं रायपुर से, जो आपकी माँ भाषा में बात करते हैं और आपकी माँ भाषा में गीत सुनाते हैं। आपको थोड़ा थोड़ा सा आप उनसे जुड़े, मैंने सुना है, मैं उन्हें सचमुच में पहली बार सुन रहा हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि उनके गीतों पर तालियों के हुजूम खड़े हो जाते हैं। हम सब बहुत दूर से हैं, अतिथि हैं, डॉक्टर साहब कहीं से आए हैं, मैं कहीं से आया हूँ, अनामिका जी कहीं से आई हैं, परंतु वे आपके अपने हैं और मुझे ये ना बताना पड़े कि छत्तीसगढ़ में अपने व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार किया जा सकता है, जबकि वो सच में बड़ा गीतकार हो। मैं बुलाना चाहता हूँ महानदी पैरी सोन तीर्थ में आई, महानदी पैरी सोन तीर्थ में आईन, और राजीव लोचन जिहां विराजे धन्य हो राजिंदाई, छत्तीसगढ़ के मुकुट विराजे डोंगरगढ़ बमलाई, और हरियर हरियर तुर गोरामा रतनपुर महामाई, मैन पाट सरगुजिहा मन के सुंदर हे सुंदराई, औ भोरम देव महादेव पूज्यो चंद्रहासिनी माई, छत्तीसगढ़ के मुकुट विराजे डोंगरगढ़ बमलाई, औ हरियर हरियर तुर कोरामा रतनपुर महामाई, दूधाधारी रायपुर जाने लीला अपरंपारे, औ धमतरी माहेयान विराजे बिलई माता दाई, के छत्तीसगढ़ के मुकुट विराजे डोंगरगढ़ बमलाई। ये हमारे छत्तीसगढ़। खादर के छानी माटी के बिछिया गोबर पानी लिपा, ये हमारे छत्तीसगढ़। खादर के छानी माटी के बिछिया गोबर पानी लिपा, माटी के चूल्हा में जेवन चूरा थे छेना लागी गुंगुआर परोसी लागी बने रे, खादर के छानी माटी के भिटिया गोबर पानी लिपा, माटी के चूल्हा में जेवन चूरा थे छेना लागी गुंगुआर परोसी। ये हमारे छत्तीसगढ़। लेकिन महोदय आपने बताना चाहूँ तो हमारे छत्तीसगढ़ में गरी खेल बहुत आ गई, साहब ने बताया तो गरी काला कैसे के कौन ने कहते है गरी के चारा, कौन ने कहते है गरी के चारा, उबू कुछ उबू कु फोही बिचारा, हाँ फोही हो गनगा चूह के आमा के फोकला हमन गोही हो गया। फिर सर किन कौन कहते है गरी के चारा, बुक चुबुक फोही बिचारा, हाँ मन फोही हो गने लौड़ी लाबा खादा बाए बंसी के धुनमा धेनु चरैया नंदा, ए रच रच मच मच गेड़ी मचैया गाँव गली मणकी नचैया, मांदर के छाप रहस रचाए पंछी के झुल्ला गाए बजाए, गाँव के लीला चाउर के चीला मेला मड़ी महादेव झुलैया, ये रच रच मच मच गेड़ी मचैया गाँव गली मा पड़की
की नचैया मंदर के थप रहस रचाए पंछी के झुल्ला गाए बजाए गांव के लीला चाउर के चीला मेला मड़ई माँ ढिलवा झुलैया नंदा जही कारे नंदा जही कारे नंदा जही का कमरा यो खुमरी अरे तू तारी ये जीमी कांदा कन सैया उस नागे लेड़गा बरी के बनैया न दागे दार के पीठिया दौरी बरीला चेच भाजी संग धर जोड़ीला ये जीमी कांदा कन सैया उस नागे लेड़गा बरी के बनैया न दागे दार के पीठिया दौरी बरीला चेच भाजी संग धर जोड़ीला माही पिलोए पठोए मंगाए दुखी कोढ़ी के रंधैया नंदा ये नंदा जाही कारे नंदा जाही कारे नंदा जही का कमरा यो कुमरी अरे तू तारी हमर नाना रहन तो गौरी खेदन तो गौकर पहला गोबर पैरम ठोकेल कहे तो हमारे पुहरा निकल वो पुहरा नाक में पड़ा एंटीबायोटिक के काम अब हार्वेस्टर आ गए ए टेढ़ा भारी के टेढ़ा टेढ़ैया खेच मा घाटी घुंगरू बंधैया गोल्ला रे दौड़ाए खावाया घावे हर हमर हला कोनो नहीं भावे कामेड़वार के घानी मुंदी मा गाए ददरिया दौरी खेदैया नंदा ए नंदा जाही कारे नंदा जाही कारे नंदा जाही का कमरा यो कुमरी अरे तू तारी अरे पहली बार जय छत्तीसगढ़ मला जहांगीर चांपा देखो एखर सुंदरई की हा गंगा जल यो तुलसी दल रथे दौना पान यहाँ गंगा जल यो तुलसी दल रथे दौना पान गाँव गाँव मा गजा मूंग बगर हे मितान भोजली औ जवारा संग संघर छे सीताराम असद भावना सीखो दिन हमर पुरखाओ सियान यहाँ गंगा जल यो तुलसी दल रथे दौना पान तब मैं गई थौ सियान हा के सियानी किसन हा के किसानी आउ मितन हा के मितानी कभू झन घुनावे रे झन घुनावे झन घुनावे झन घुनावे ना हमर गाँव के गहना गुरिया गा हमर गाँव के गहना गुरिया गा किसन हा के किसानी सियान हा के सियानी आउ मितन हा के मितानी कभू झन घुनावे रे झन घुनावे झन घुनावे झन घुनावे ना हमर गाँव के गहना गुरिया गा हमर गाँव के गहना गुरिया गा दिन बाजार लाहकन के ओसावत रही थे रे ओसावत रही थे ना सुपा झारे फूके असनहन के झेलावत रही थे रे झेलावत रही थे ना जावन हा के जवानी जावन हा के जवानी जावन हा के जवानी कभू झन घुनावे रे झन घुनावे झन घुनावे झन घुनावे ना हमर गाँव के गहना गुरिया गा हमर गाँव के गहना गुरिया गा सस्ता सारा रे मलोवन मा बिसाथे मलोवन मा बिसाथे नहीं ते न्यून चटनी चिखना सादा निपटाथे सादा निपटाथे आथन हके अथानी आथन हके अथानी कभू झन घुनावे रे झन घुनावे झन घुनावे
जन गुनावना हमर गाँव के गहन गुरियागा, हमर गाँव के गहन गुरियागा, हमर गाँव के गहन गुरियागा। पांच दो पंक्ति चलो वंदे मातरम आपका प्रसिद्ध गीत रचना है, उसके बारे में आग्रह कर रहे हैं, तो आप ऐसे तालियां बजा के आग्रह करें तो उनको पता चलेगा कि सही में बोल। पहले एक मिशन जो आदरणीय हमारे भाई साहब चला रहे हैं उनकी दो पंक्तियां दे रहा हूं आपको कि मेरा देश जल रहा है चरागों के हाथ में, कोई तुझे बुला रहा तिरंगे को थामने, अब डोर किसकी हाथों में है तू भी तो जान ले। कि मेरा देश जल रहा है चरागों के हाथ में, गुल रोशनी सिसक रही मीनारों के साथ में, पहने हुए ईमान को रिश्तों में जी रहे सागर छलक रहा है किस्तों में पी रहे। वाह 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 वाह। और रिश्वत ने इंतकाम लिया बातों ही बात में कि मेरा देश जल रहा चरागों के हाथ में, सांसों में सिसकियों को लपेटे हुए हैं हम, सांसों में सिसकियों को लपेटे हुए हैं हम, घबराई जिंदगी को समेटे हुए हैं हम, घबराई जिंदगी को समेटे हुए हैं हम, बदनाम शहरंग हुई रातों ही रात में कि मेरा देश जल रहा है चरागों के हाथ में, गुल रोशनी सिसक रही मीनारों के हाथ में। अब वो रचना माँ भारती तब और अब, तब जब माँ भारती गुलामी की जंजीरों में बंधी हुई थी, आदरणीय सरकार जब माँ भारती गुलामी की जंजीरों में बंधी हुई थी तब जंजीर का सौभाग्य देखिए वंदे मातरम कहती थी। क्या बात, जंजीर वंदे मातरम कहती कि जंजीर बोलती थी वंदे मातरम, शमशीर बोलती थी वंदे मातरम, कश्मीर बोलता है वंदे मातरम। क्या बात है कि जुल्म जिसने था किया कल की बात है, कुर्बानियां शहीदों की सौगात है, कि जुल्म जिसने था किया कल की बात है, कुर्बानियां शहीदों की सौगात है, कि तस्वीर बोलती है, तस्वीर बोलती है वंदे मातरम। आप खामोश क्यों हैं, ताज्जुब हो रहा है मेरे को कि जुल्म जिसने था किया कल की बात है, कुर्बानियां शहीदों की सौगात है कि तस्वीर बोलती है, शहीदों की तस्वीर बोलती है वंदे मातरम, जंजीर बोलती थी
वंदे मातरम। शमशीर बोलती थी वंदे मातरम, के गूंजे सदा ये गूंज हमारी है भारती, सर बांधे कफन देखते करते थे आरती। वाह वाह वाह। के गूंजे सदा ये गूंज हमारी है भारती, सर बांधे कफन देखते करते थे आरती। की तासीर बोलती है, तासीर बोलती है वंदे मातरम, कश्मीर बोलता है वंदे मातरम। कल आज कल के लोग भी गुमराह थे मिले, गुमराह जो मिलेंगे उन्हें राह दिखाना, सच कहूँ मैं सच कि उन्हें चाह दिखाना। मैंने आपसे कि रात ये आपके नाम है, रात ये आपके नाम है, आज दूरी मिटा लीजिए और दूरदर्शन में क्या है मजा, थोड़ी नजदीकियां दीजिए, आप भी सामने आए, अच्छा सा पड़ोस देख कर बैठ जाए। ये मौला जितनी मस्ती में सुन रहा है, मैं आपकी मस्ती को प्रणाम करती हूँ। भाई साहब आप जिस तरह कोई मोहल्ला